हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आम अस एडिट। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज दो दिन बाद में वीडियो आ रही गाइस, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी तबीयत डाउन थी गाइस, थोड़ी आवाज़ में भी आपको चेंजिंग दिख रही होगी गाइस, इस वजह से दो दिन से वीडियो नहीं आ रही गाइस। तो आज फिर से वीडियो लेके आ गया और आज का सॉन्ग होने वाला गाइस कतरा चोरा ना जानू धोखो दी दो, ठीक है। इसी सॉन्ग पर हम वीडियो बनाने वाले हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर वो वीडियो देखना है तो यार गाइस उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वो वाली वीडियो देख सकते हो गाइस। वो भी बहुत ही तगड़ी वीडियो है और ये वाली वीडियो भी बहुत ही तगड़ी है। तो सबसे पहले तो आपने स्टेटस नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप स्टेटस देखिए, अजमेर वाले है गाइस। आज के स्टेटस आपको कैसे लगा गाइस? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का सेम टू सेम स्टेटस बनाना है आपको, सीखना है प्रोफेशनल तरीके से बनाना, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, स्टेप बाय स्टेप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। और इस वीडियो के अंदर हमने जो भी यूज़ किया बिटमार्क प्रोजेक्ट से और फॉन्ट वगैरह और वीडियो वगैरह, इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ सब डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे। डाउनलोड करने के बाद यूज़ कैसे करना है वो आप कंप्लीट देखते हो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट के चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस नहीं किया गाइस वो भी कर लेना गाइस, ठीक है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन मैंने आपको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जो वेबसाइट का नाम बता देता हूँ गाइस, www.msedit.in, ठीक है ना। इस वाली वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आपको तीन वर्जन मिल जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है ना। तो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले तो आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना है, पहला रहेगा MS Edit बिटमार्क प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा MS Edit इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना गाइस। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर फोटो ऑलरेडी लगी भी रहेगी। नीचे आपको सॉन्ग मिल जाता है, अगर इस सॉन्ग की आवाज़ बंद हो जाती है गाइस, तो इस सॉन्ग का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना, ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो लिरिक्स है इनका फॉन्ट आपको चेंज कर लेना गाइस। फॉन्ट कैसे चेंज करना वो मैं तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लिरिक्स है, लिरिक्स पे क्लिक करोगे, डबल टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ऊपर जाने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना और ये वाला फॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेना। इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ऐड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करना भी नहीं आता, ऐड करना भी नहीं आता, तो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इस पर, जाके देख लेना, चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देख के आप सीख जाना कैसे फॉन्ट ऐड करना, उसके बाद में आपको फॉन्ट वगैरह चेंज कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे बिटमार्क रहेंगे, यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना, फिर आगे जाओगे यहाँ पे आपको देखिए गाइस क्या करना होगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दिलड़ो तोड़ियो ये लिखा हुआ मेरे हिंदी के अंदर, आपको इंग्लिश के अंदर आ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना होगा, फॉन्ट चेंज करना होगा, जो लिरिक्स है इसका फॉन्ट चेंज करना होगा। कैसे करना है वो मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये ग्रुप वन है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पे ये वाला लेयर है, इसी लेयर पे आपको क्लिक करना, डबल टेक्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको क्लिक करके ये वाला फॉन्ट रख लेना जो आपने आगे भी रखा था, ठीक है। यही वाला फॉन्ट आपको इसमें चेंज कर लेना गाइस, ओके। और फॉन्ट आपको डाउनलोड करना और ऐड करना, दूसरी वीडियो के अंदर मैंने बता रखा। उसके बाद में गाइस ये इतना काम कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पे गाइस दो लेयर रहेंगे जो हाइड रहेंगे, जो देख सकते हो एक और दो, इन दोनों लेयर को आपको ऑन करना होगा। तो इस प्रकार से आपको इनको ऑन करोगे तो ये दोनों इफेक्ट यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से इन दोनों लेयर को आपको ऑन करना है। इसे ऑन करोगे तो ये लेयर यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेगा इनके अंदर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे जाना गाइस और आगे जाना है और गाइस इस जगह, ठीक है, यहाँ पे देखिए अजमेर वाले छोरे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको एक फोटो ऐड करना होगा, फोटो एड करने के लिए यहाँ पे आ जाना सबसे पहले इस बीट मार्क पे 24.7 सेकंड पे, ठीक है। प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी अपनी फोटो ऐड करना होगा गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी से अपनी फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस मैंने फोल्डर ओपन कर लिया और देख लेता हूँ कहाँ पे मेरी फोटो है।
तो ये वाली फोटो मेरे को ऐड करना गाइस। तो फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद में फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद में गाइस ये फोटो यहाँ तक है, इस फोटो को आपको इस बीट मार्क तक लेना होगा। तो इस बीट मार्क पे जाना, फोटो पे क्लिक करना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद में क्या करना होगा, इस फोटो को आपको होल्ड करके रखना और इस जो आपने टैग्स लगा रखा है इसके नीचे लाके आपको इसको सेट करना। तो इस प्रकार से इस फोटो को होल्ड करके रखना और इसके जस्ट नीचे लाके इसको सेट करना होगा। तो आप देख सकते हो गाइस, जो इस फोटो के ऊपर जो लिरिक्स के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इसका भी आपको फोन चेंज कर लेना, वही सेम फोन रहेगा गाइस, पूरी वीडियो में एक ही फोन ऐड किया हुआ है। ओके गाइस, अब ये फोटो है गाइस, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर इफेक्ट भी ऐड करना होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाद में इफेक्ट में बाद में बताऊंगा आपको कैसे ऐड करना, कौन सा इफेक्ट ऐड करना, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए बिट मार्क है, यहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना, जहाँ जहाँ पे ये टेक्स्ट वगैरह है और ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो ऐड नहीं करना, बाकी जहाँ खाली जगह पूरी जगह आपको फोटो ऐड कर लेना बिट मार्क के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फोटो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से ऐड होनी होगी, ठीक है ना गाइस, यहाँ से, ठीक है ना, मतलब 1.24 सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है, ठीक है ना गाइस। तो मैं जल्दी से फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने फोल्डर ओपन कर लिया और यहाँ से मैं फोटो देख लेता हूँ गाइस। तो ये वाली मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस फोटो यहाँ पे। अब इस फोटो को फुल स्क्रीन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना है, जो पीछे के स्टेप पार्ट है वो काटना होगा गाइस, ठीक है। तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो पीछे के स्टेप पार्ट कट जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो इसी प्रकार से आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना, जो मैंने तरीका बता दिया गाइस, ठीक है। जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ वहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना। तो गाइस मैं यहाँ पे सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो ओके गाइस, देखिए गाइस, मैंने इस बिट मार्क से लेके 1.48 सेकंड से लेके और एंड तक मैंने फोटो ऐड कर लिए, जहाँ जहाँ खाली जगह थी, ठीक है, जो देख सकते हो गए। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, तो कौन सी फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा और कौन सी फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो ये वाली फोटो आ रही है 1.48 सेकंड पे, जो मेरी खुद की फोटो है, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ से आपको भेज जाना है इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है ये वाली, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको बेक आना है, बीट मार्क जो फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है, यहाँ पे आ जाना आपको 1.48 सेकंड पे, फोटो भी आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद आगे जाना, आगे ये वाली फोटो देखने को मिलेगी गाइस 2.36 सेकंड पे, ठीक है ना। तो ये वाली फोटो आ रही है गाइस, अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से आपको फिर से बैक जाना है, बैक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, दो नंबर वाली फोटो रहेगी, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना फिर से, और ओपन करने के बाद आपकी जो सेकंड फोटो यहाँ पे आ जाना, जो देख सकते हो गाइस 2.36 सेकंड पे, ठीक है गाइस। अब यहाँ से थोड़ी सी वीडियो ध्यान से देख लेना गाइस, यहाँ पे थोड़ा अलग स्टेप यूज करेंगे। 36 सेकंड पे ये वाली फोटो मिल रही है, सबसे फर्स्ट वाली, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया, उसके बाद अगली फोटो पे जाना, फिर अगली फोटो के अंदर भी यही वाला इफेक्ट आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना। ओके गाइस, फिर आपको अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से थोड़ी ध्यान से देख लो गाइस वीडियो। अब इन दो फोटो के अंदर इफेक्ट लग गया है, ठीक है। अब आपको एक फोटो छोड़ देना है गाइस, ठीक है, ये एक फोटो छोड़ देनी, उसके बाद फिर से आपको ये दो फोटो, इन दोनों फोटो के अंदर इफेक्ट लगा देना, ये सेम इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये एक फोटो छोड़ देनी, उसके बाद फिर से ये दो फोटो, इन दोनों फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है, फिर ये एक फोटो छोड़ देनी है, फिर ये दोनों फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है, फिर ये एक फोटो छोड़ देनी है, फिर ये दोनों फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है, फिर लास्ट वाली फोटो है इसको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से आपको, तो गाइस देखिए, इस प्रकार से आपको दो फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है और एक फोटो छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से दो फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, एक फोटो छोड़ देनी, इस प्रकार से आपको इफेक्ट लगाना होगा गाइस, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको यह करना होगा, जो फोटो आपने छोड़ी है ना, जो बीच बीच के अंदर आपने एक एक फोटो छोड़ी है, ठीक है गाइस, तो ये इफेक्ट आपको देखिए गाइस, जो मैंने बताया वो इफेक्ट आपको कहां तक लगाना, जो देख सकते हो गाइस 2.36 सेकंड से लेके और यहां तक आपको ये इफेक्ट तो पहले लगा देना है, दो फोटो में लगाना है, एक फोटो में छोड़ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक लगा देना है 11.36 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद में जो फोटो आपने छोड़ी है ना, उनके अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, देखिए मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो छोड़ी है गाइस, ठीक है, इस बीट मार्क पे, ठीक है ना।
3.48 सेकंड पे। अब ये वाली फोटो छोड़ दी, अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना है, यहाँ से आपको बेग जाना है और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और ये तीन नंबर वाली फोटो है गाइस, ये वाली फोटो पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है। कॉपी इफेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको बेग आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में आपको चले जाना गाइस यहाँ पे, देखिए गाइस मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों फोटो के अंदर आपने इफेक्ट लगा दिया था और ये एक फोटो रह गई थी, ठीक है। जो फोटो आपने छोड़ी उस फोटो पे आपको क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है ना। फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, कुछ इस प्रकार से आ रहा जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद ये दोनों फोटो के अंदर आपने पहला वाला इफेक्ट पहले लगा दिया था, उसके बाद ये सेकंड वाली फोटो आएगी, ये वाली फोटो आपने छोड़ी है तो फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो ये इफेक्ट लग जाएगा। तो ये इफेक्ट आपको कहाँ तक लगाना वो भी मैं तरीका बता देता हूँ गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ये इफेक्ट देख सकते हो गाइस, यहाँ से 2.36 सेकंड से लेके गाइस और यहाँ तक, ठीक है ना, जो आपने फोटो छोड़ रखी है ना गाइस यहाँ तक, ठीक है ना, 11.36 सेकंड तक यहाँ तक जो जो फोटो छोड़ रखी है ना, वहाँ पे आपको इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। ओके गाइस, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है गाइस, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आगे जाना, यहाँ का काम आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया, उस यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे जाना गाइस आगे 14.39 सेकंड पे ये वाली फोटो मिल रही है गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना है, यहाँ से आपको बेग जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस और यहाँ पे चले जाना गाइस चार नंबर वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेग आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस, तो देख लेना गाइस यहाँ से जस्ट बाद में आएगा गाइस जो 14.39 सेकंड पे आएगा। अब यहाँ पे भी क्या करना होगा गाइस, तो देखिए गाइस वो इफेक्ट आपने कॉपी कर लिया था तो फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पे 14.39 सेकंड पे आके फोटो पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है। और उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है ना गाइस। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। और उसके बाद फिर से अगली फोटो पे क्लिक करना है और फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है ना गाइस। तो ये दो फोटो के अंदर आपको इफेक्ट लगा लेना, एक और दो, और एक फोटो छोड़ देना। फिर से आपको अगली फोटो आ रही, फिर से फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। और उसके बाद फिर से अगली फोटो पे जाना, फिर से अगली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है ना। ओके गाइस, उसके बाद अगली फोटो को छोड़ देना गाइस, ठीक है ना। और ये दो फोटो के अंदर फिर से इफेक्ट लगा दे, तो मैंने तरीका फिर से आपको बता देता हूँ। तो गाइस इस बीट मार्क से लेके, ठीक है ना, 14.39 सेकंड से लेके, ठीक है, दो फोटो के अंदर ये वाला इफेक्ट लगा देना, एक और दो, उसके बाद एक फोटो छोड़ देना है। ओके गाइस, फिर उसके बाद फिर से आपको दो फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना है, एक फोटो छोड़ देना, जो पहले वाला सिस्टम है गाइस यही फॉलो करना होगा आपको यहाँ से, ठीक है। और बीट मार्क भी देख लो गाइस, 11.39 सेकंड से लेके गाइस और इस बीट मार्क तक आपको ये इफेक्ट फॉलो करना होगा, ठीक है ना, 24.15 सेकंड यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद जो फोटो आपने छोड़ रखी उनके अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बेग जाना है और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना गाइस पाँच नंबर वाली फोटो पे, देखिए गाइस ये रही पाँच नंबर वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बेग आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद अब आपको चले जाना गाइस, देखिए मैं बता रहा हूँ वो टाइमिंग देख लो, तो देखिए गाइस यहाँ पे आ जाना आपको, अभी मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको गाइस, आपको यहाँ पे आ जाना गाइस, देखिए जो मैं टाइमिंग बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे ठीक है 14.39 सेकंड पे आ जाना। और ये दो फोटो के अंदर आपने पहले इफेक्ट लगा दिया था, ठीक है, चार नंबर वाला, उसके बाद ये वाली फोटो जो आपने छोड़ रखी इसके अंदर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना होगा। तो फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। उसके बाद में ये दो फोटो के अंदर आपने इफेक्ट लगाया, एक और दो, फिर अगली फोटो ये वाली जो आपने छोड़ रखी इसके अंदर इस प्रकार से ये इफेक्ट पेस्ट करना होगा। तो ये इफेक्ट आपको इसी प्रकार से जो फोटो आपने छोड़ रखी यहाँ से लेके, ठीक है ना, जो गाइस देख लो 14.39 सेकंड से लेके और यहाँ तक, ठीक है ना गाइस, यहाँ तक आपको ये इफेक्ट लगा देना है, ठीक है, इस बीट मार्क तक, ठीक है। तो जो फोटो आपने छोड़ रखी उसके बाद ये वाली फोटो आएगी गाइस, ठीक है, इस बीट मार्क पे देख सकते हो गाइस, मतलब 24.15 सेकंड पे ये वाली इफेक्ट, मतलब ये वाली फोटो आएगी गाइस, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देख लो, यहाँ से आपको बेग जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे चले जाना गाइस, छः नंबर वाली फोटो रहेगी ये वाली, सॉरी गाइस जो लास्ट वाली फोटो रहेगी ये वाली, ठीक है ना गाइस, सात नंबर वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर आप थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको बेग आना है, उसके बाद बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जो मैं अभी आपने एक फोटो देखी थी वो मैं टाइमिंग बता दूंगा अभी आपको, तो इस बीट मार्क पे आ जाना गाइस, ठीक है,
24.15 सेकंड पे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। गाइस यहां तक इफेक्ट लग गया, उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना है। यहां से आपको कौन से इफेक्ट लगाना गाइस, 26.39 सेकंड पे ये वाली फोटो आ रही है मेरे, तो इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, यहां से आपको बैक जाना है, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और यहां पे चले जाना गाइस आपको 6 नंबर वाली फोटो पे, ये वाली फोटो पे, फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपको बैक आना है और बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या होगा गाइस, जो देखिए आपको चले जाना गाइस यहाँ पे, जो मैं अभी टाइमिंग बता रहा हूँ आपको, इस बिट मार्क पे आ जाना आपको। तो गाइस इस बिट मार्क पे आ जाना आपको गाइस, देखिए 26.39 सेकंड पे फोटो आ रही है वाली, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके अंदर डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो देख सकते हो, और ये और उसके बाद ये इफेक्ट लग जाएगा गाइस, और ये इफेक्ट आपको कहाँ तक लगाना गाइस, तो ये टाइमिंग देख लो, 26.39 सेकंड से लेकर और लास्ट वाली फोटो रहेगी यहाँ तक इस प्रकार से ये इफेक्ट लगा देना सभी फोटो के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होगा गाइस, अब इन फोटो के अंदर आपको एक वीडियो भी ऐड करना होगा, तो वीडियो ऐड करने के लिए गाइस इस बिट मार्क पे आ जाना आपको, 26.39 सेकंड पे प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका वीडियो है गाइस, ठीक है ना। और इस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ गाइस कहाँ पे वो हमारा वीडियो है। तो गाइस ये वाला वीडियो मेरा, ठीक है ना, इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना। तो अब इसको ऐड करना है, तो इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, उसके अंदर प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। ओके गाइस ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, जो देख सकते हो गाइस। अब इसी वीडियो पे आपको फिर से क्लिक करना है, देखिए गाइस ये वीडियो ऊपर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी वीडियो पे आपको क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होगा गाइस, इस वीडियो को इस प्रकार से आपको देखिए थोड़ा आ गया ना इधर, और इस वीडियो पे आपको इस प्रकार से होल्ड करके रखना साइड में, और इस प्रकार से आपको जो जितनी फोटो है गाइस इन फोटो के नीचे लाके आपको इसको वीडियो को रखना होगा। तो अब आपको इन फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइस, जो देख सकते हो कितना शानदार है वो देख सकते हो गाइस, ठीक है। और यहाँ तक, ठीक है, ओके गाइस। तो देख सकते हो गाइस ये वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो शानदार लग रहा है, ठीक है। उस गाइस ये वीडियो थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो आपको 30.15 सेकंड तक रखना, और पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काटना होगा। तो इसी वीडियो पे आपको क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये कट जाएगा। ओके गाइस फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीटली बन गया गाइस। अब इस वीडियो के अंदर आपको बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा, अपना लोगो लगाना होगा। तो लोगो लगाने सबसे पहले तो आपको अपना बॉर्डर पीएनजी ऐड कर लेना है। बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बॉर्डर पीएनजी गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, देख लेता हूँ गाइस कहाँ पे मेरा बॉर्डर पीएनजी गाइस, तो देख लेना गाइस ये वाला मेरे को बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा। तो बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो बॉर्डर पीएनजी एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा गाइस। अब इसको एंड तक करना होगा, तो इसी बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करना, एंड के अंदर जाओ और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, बॉर्डर पीएनजी एंड तक आ जाएगा। उसके बाद गाइस आपको फिर से स्टार्टिंग के अंदर आना, अपना लोगो ऐड करना होगा, तो प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फिर से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका लोगो ऐड है गाइस। तो मैं यहाँ से जल्दी से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, और देख लेता हूँ गाइस कहाँ पे मेरा लोगो है। ओके गाइस, तो ये रहा गाइस मेरा लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे गाइस, तो लोगो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस लोगो को जहाँ पे भी आपको सेट करना है वहाँ पे इसको लाके इस प्रकार से आपको रखना है। उसके बाद में ये लोगो का लेयर गाइस यहाँ तक, अब इसको एंड तक करना होगा, तो इसी लोगो वाली लेयर पे क्लिक करके एंड के अंदर चले जाओ। ओके गाइस एंड के अंदर आने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, तो लोगो का लेयर एंड तक आ जाएगा। फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, इस वीडियो को आपको सेव करना गैलरी के अंदर, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। ओके गाइस वीडियो पे सेलेक्ट करना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन है वो सेलेक्ट कर लेना, आपके फोन में जो भी सपोर्ट कर रहा है। ओके गाइस उसके बाद में यहाँ पे इसको फुल कर देना, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी को इस प्रकार से आपको फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव का बटन पर आपको क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गाइस गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।